नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पर अगर हम बात करें उनके ट्रेनिंग कैंप को लेकर काफ़ी अच्छी बड़ी खबर आ रही है। और पंजाब की टीम का जो ट्रेनिंग कैंप है उसकी शुरुआत हो गई है और पहले दिन जो है खिलाड़ियों ने किस तरीके से ट्रेनिंग की है हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे बड़े फ़ैन हैं आप पंजाब किंग्स के, केएल राहुल के, सपोर्ट करते हैं इस टीम को, जिताना चाहते हैं आईपीएल 2021 का खिताब, तो बेझिझक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे आपकी सबसे फेवरेट टीम पंजाब किंग्स से जुड़ी हुई और आईपीएल 21 की सारी खबरों से जुड़ी हुई। और हाँ दोस्तों, आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके आईडी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से बनाते रहिए। और आप भी कमेंट करके बताते रहिए अपने सबसे फेवरेट टीम पंजाब किंग्स के बारे में, उनके खिलाड़ियों के बारे में, और कौन सा खिलाड़ी जो है इस सीज़न हाईएस्ट रन गेटर बनने वाला है और बेस्ट परफॉर्मेंस देके दिखाएगा पंजाब की टीम को। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात करना चाहते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको क्रिकेट एनालिसिस करना बहुत पसंद है, तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और डाउनलोड किया जाए माई इलेवन सर्कल ऐप। दोस्तों इस ऐप की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको दिग्गजों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। आपको सिंपली पिकअप करने हैं अपने प्लेइंग 11 और अगर आप बीट कर देते हैं वीवीएस लक्ष्मण की टीम को, तो आपको मिलेगा 5 गुना ज़्यादा कैश कमाने का मौका। यही नहीं दोस्तों, आप इस ऐप से करोड़ों कमा सकते हैं। और दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने से आपको मिलेगा 1500 रुपये वेलकम बोनस। और यही नहीं, अगर आप हमारे दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो दोस्तों देख क्या रहे हैं इस इंडिया इंग्लैंड सीरीज में, जल्दी से डाउनलोड कीजिए माई इलेवन सर्कल ऐप और ढेर सारे पैसे जीतते रहिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन रिस्क। तो अब दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, जो सारी फ्रेंचाइजी हैं उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग है लगभग से लगभग शुरुआत कर दी है। तो ऐसे में अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की, तो उन्होंने भी अपनी ट्रेनिंग की जो शुरुआत है उसको कर दिया है। और अगर बात करें तो उनका जो ट्रेनिंग कैंप है उसकी शुरुआत कल से हुई है। तो ऐसे में अगर बात करें तो पंजाब की टीम की तरफ से काफ़ी जो प्लेयर्स हैं वो जुड़े हैं इस ट्रेनिंग कैंप को लेकर के। अगर हम बात करें इस ट्रेनिंग कैंप में, तो हमें दिखाई दिया जिस तरीके से वीडियो शेयर किया गया पंजाब किंग्स के द्वारा ट्विटर पर, हमें दिखाई दिए उस वीडियो में मनदीप सिंह, हरप्रीत ब्रार, अर्शदीप सिंह और अगर बात करें शाहरुख खान समेत काफ़ी सारे जो खिलाड़ी थे वो ज्वाइन हुए थे इस ट्रेनिंग कैंप को लेकर के। वहीं अगर बात करें उनके हेड कोच अनिल कुंबले, वो भी हमें दिखे थे इस वीडियो में, जिन्होंने जो है अगर हम बात करें तो उनके खिलाड़ियों को काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी समझाई और अगर बात करें तो प्लानिंग भी समझाई है क्या करना है उन खिलाड़ियों को इस सीज़न में, और अगर बात करें तो प्रैक्टिस किस तरीके से स्टार्ट करनी है, ये सब के बारे में बताया जा रहा था। तो ऐसे में दोस्तों ये पंजाब के लिए काफ़ी अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि जो उनका ट्रेनिंग कैंप है वो काफ़ी लेट शुरुआत हुई है। और दोस्तों अगर बात करें पंजाब के खिलाड़ियों की, तो काफ़ी जो यंग प्लेयर्स हैं और डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो इस कैंप से जुड़े हुए हैं। और अगर बात करें तो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स, अगर हम बात करें केएल राहुल हो गए, तो इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ का जिस तरीके से आज आखिरी मुकाबला है वनडे मैच का, उसके बाद जो हमें केएल राहुल पंजाब की ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों उनके लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि केएल राहुल को डायरेक्टली जो है बायो बबल एनवायरनमेंट में शिफ्ट किया जाएगा, उनको किसी भी तरीके से आइसोलेशन या फिर अगर हम बात करें तो क्वारंटाइन पीरियड को फॉलो करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया इंग्लैंड सीरीज में जो भी खिलाड़ी इस समय जुड़े हुए हैं, उनकी कोविड टेस्ट और उनकी क्वारंटाइन प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है और बीसीसीआई ने जिस तरीके से सर्कुलर पास किया था कि जो भी खिलाड़ी इस सीरीज़ में जुड़े रहेंगे उनको डायरेक्टली बायो बबल एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर देंगे और उनको किसी भी तरीके से क्वारंटाइन प्रोसेस फॉलो करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो पंजाब किंग्स की तरफ से केएल राहुल जो है पहले ही दिन से ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करते हुए नजर आ सकते हैं ठीक इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ के बाद। और दोस्तों अगर बात करें ऐसे में केएल राहुल का जो फॉर्म है काफ़ी अच्छा निकल के सामने आ रहा है और पंजाब की टीम के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और दोस्तों ऐसे में देखना होगा कि केएल राहुल जो है किस तरीके से आज प्रदर्शन करते हैं और कितना रन बनाते हैं अपनी टीम इंडिया के लिए। जैसे कि उन्होंने इस सेंचुरी के बाद बोल दिया था कि वो और भी सारा रन जो है बनाना चाहते हैं और उन्हें सेंचुरी मारकर काफ़ी अच्छा लगा है कि उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना कंट्रीब्यूशन अपने रन की बदौलत दिया है। तो आप दोस्तों आपका क्या कहना है केएल राहुल के बारे में कि आज केएल राहुल जो है कितना रन बना सकते हैं टीम इंडिया के लिए, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं अपनी तरफ से, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब दोस्तों अगर हम बात करें मोहम्मद शमी की, तो उनके लिए लेकर कोई भी रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आ रहा है। जिस तरीके से वो चोटिल हैं ये बताया भी नहीं जा रहा है कि वो कब जो है ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करने वाले हैं।
तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मोहम्मद शमी जो है कब पंजाब की टीम के ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अगर बात करें उनकी तो वरिष्ठ गेंदबाज हैं और मोहम्मद शमी जो है पंजाब की टीम के लिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे में देखना दिलचस्प होगा मोहम्मद शमी कब पंजाब की टीम को ज्वाइन करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।